हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो टॉपिक है फूड आवर बेसिक नीड्स, 5 मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए, इसमें हमने 5 मेन न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो सबके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का मेन न्यूट्रिएंट्स है वो है विटामिन्स। विटामिन्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप आई बटन पर देख सकते हैं ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स बताए थे, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था। फैट सोल्यूबल विटामिन्स ए, डी, ई और के, जो कि फैट में सोल्यूबल होते हैं, जब हम कोई फूड खाते हैं तो ये हमारे फैटी टिश्यू में जाकर बॉडी के अंदर और लीवर के अंदर जाकर स्टोर हो जाते हैं, और जब बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है तो टाइम टू टाइम हम उसका यूज़ कर लेते हैं। और वाटर सोल्यूबल विटामिन ऐसे विटामिन जो पानी में डिजॉल्व होते हैं, जैसे विटामिन सी और ग्रुप ऑफ विटामिन बी का जो ग्रुप होता है B1 से लगाकर B12 तक, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ओके, तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन स्टोर नहीं होते, ये तो हमारी ब्लड में जाकर मिक्स हो जाते हैं, और जब बॉडी का इसका यूज़ नहीं होता है तो ये इसको बॉडी से थ्रो आउट कर दिया जाता है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस विटामिन फॉर द बॉडी। तो देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले वाटर सोल्यूबल्स विटामिन। वाटर सोल्यूबल्स विटामिन्स में हमने देखा था, यहाँ पर देखिए आपको टाइप्स दिख रहा है, विटामिन B1 और विटामिन B2 और विटामिन सी। यहाँ पर आपको दूसरा कॉलम दिख रहा है फंक्शंस का, और तीसरा कॉलम आपको दिख रहा है सोर्सेस का। तो विटामिन B1 में देखिए थायमिन, विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन, और विटामिन सी आप सभी जानते हैं। तो विटामिन B1 का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, ये इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर नर्व फंक्शन, नर्वस सिस्टम से जितने भी रिलेटेड फंक्शन है बॉडी के अंदर तंत्रिका तंत्र से, वो सारे जो है विटामिन B1 करता है, जिसे हम थायमिन कहते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें होल ग्रेन, जितने भी हम होल ग्रेन्स खाते हैं, अनाज वगैरह, ब्रेड से, सीरियल्स, जितने भी अनाज और लेग्यूम्स खाते हैं, नट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं। उसके बाद विटामिन B2 राइबोफ्लेविन विटामिन होता है, इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे नॉर्मल विजन और हेल्दी स्किन के लिए, हमारी स्किन अच्छी रहे, हमारा जो आई साइट है वो भी अच्छा रहे, तो उसके लिए हमें विटामिन B2 लेना चाहिए। और विटामिन B2 हमें मिलता है मिल्क से, मिल्क प्रोडक्ट से, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, जो भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती है, होल ग्रेन खाने से, ब्रेड खाने से और अनाज सीरियल्स। विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा बनाता है, और आयरन एब्जॉर्प्शन में काफ़ी अच्छा होता है, एड्स वगैरह में, उनमें जितने खून की कमी हो जाती है उसके लिए विटामिन सी काफ़ी अच्छा होता है। स्पेशली ये हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है, और जिस तरह से हम कैबेज वगैरह, स्ट्रॉबेरी, पेपर, टोमेटो, पोटैटो, लेट्यूस, पपाया, मैंगोस, कीवी, इन सारे फलों से भी हमें जो है विटामिन सी मिलता है। तो ये होंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैट सोल्यूबल्स विटामिन। यहाँ पर आपको उसी तरह एक चार्ट दिख रहा होगा टेबल में। तो फैट सोल्यूबल्स विटामिन में देखिए विटामिन ए आते हैं, डी आते हैं, विटामिन के और ई। विटामिन ए का क्या फंक्शन है, यह विटामिन ए जो है आई साइट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आंखों की जितनी भी रिलेटेड डिजीज़ होती हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, पावरफुल विज़न के लिए अच्छा होता है। अगर आप विटामिन ए से भरपूर खाना खाते हैं तो आपके आई साइट अच्छी रहेगी, आपकी हेल्दी स्किन रहेगी, और ये अपने इम्यून सिस्टम को काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसे बिल्डअप करता है और उसे मेंटेन करके रखता है। जितनी भी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, डार्क ऑरेंज फ्रूट होते हैं, जैसे एप्रिकॉट वेजिटेबल, जैसे कैरेट वगैरह, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन खाते हैं आप, डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं जैसे मिल्क से बने हुए चीज़, क्रीम, बटर, तो ये विटामिन ए इनमें काफ़ी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो आपकी आँखों के लिए विटामिन ए काफ़ी अच्छा होता है। और विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए अच्छा माना जाता है, ये क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, तो कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए अच्छा होता है, टीथ के लिए अच्छा होता है, बोन्स के लिए। तो ये हमें किससे मिलता है, जो एग खाते हैं उनके लिए एग योग अच्छा होता है, फिश ऑयल से, लीवर्स, मिल्क एंड सनलाइट।
धूप में बैठने से भी विटामिन डी जो है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती, तो हमारी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती, टीथ भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। देन विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए अच्छा है। अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो काफ़ी देर तक अगर हमारे चोट से खून बहता रहता है और ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, या काफ़ी टाइम लगता है, या उसी जगह पर ब्लड का जो है थक्का बनने में टाइम लगता है, तो उसके लिए जो होता है उनके शरीर में विटामिन के की कमी होती। पर अगर विटामिन के अच्छा होता है तो ब्लड क्लॉटिंग जल्दी होती है। तो इसके लिए हमें सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी चाहिए। उसमें आपको कैबेज और मिल्क, मिल्क ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर में हर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर देता है। विटामिन ए जो है हमारी सेल वॉल के लिए काफ़ी अच्छा है। प्लांट ऑयल होते हैं जितने भी हमें मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट जैसे सोयाबीन वगैरह, कॉर्न है, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं, नट्स हैं, तो उसके बने ऑयल से जो है हमें खाना चाहिए, उससे विटामिन ई अच्छे मिलता है। ओके, तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इसका लाभ ले सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको जो है मिल सके। और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर्स में जो भी वीडियो अपलोड्स होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।